Group number 7. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendra Vidyalaya in the group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khondomi from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts, we grew close to each other. क्या कह रहे हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने संगीता मैडम को ग्रुप नंबर 7 लीड करने को कहा था, राइट? और ग्रुप नंबर 7 में खाली गर्ल्स ही इंक्लूडेड थे जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कौन से स्टेट्स हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड. ये स्टेट से ही खाली गर्ल्स इंक्लूडेड थे और मैं ही एक टीचर थी जो केंद्र विद्यालय से इनके ग्रुप में, और मैं बहुत हैप्पी थी नए मेंबर से मिलने के लिए. मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, और बहुत सारे ऐसे थे जो जिनको हिंदी नहीं आती है, और मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा था. बट आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बींग टुगेदर फॉर 21 डेज आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंडोमी फ्रॉम मिजोरम. और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था 21 डेज साथ में होने के बावजूद भी मैं एक मेरी फ्रेंड जो है खोंडोम भी करके जो कि मिजोरम से मैं बात नहीं कर पाई, बट वो खाली मिजो लैंग्वेज ही समझ सकती है और वो मिजो लैंग्वेज ही बोलती है. बट हम एक दूसरे के मनी मन हम एक दूसरे के बातें जान लेते हैं. ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ क्रॉसिंग द रिवर. अब क्रॉसिंग द रिवर डेट क्या है, 5th February 1984. वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ अवर ब्रेकफास्ट. दीज वेयर गिविन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड अ डेज लेफ्ट. हमें जब हम क्रॉसिंग द रिवर को पार करने के लिए जा रहे थे तो हमें विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क मिली जाती थी हमारे ब्रेकफास्ट में, और ये हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें देते थे. और हॉट चॉकलेट मिल्क हमें इसलिए दिया जाता था ताकि हमारा बॉडी गर्म रहे. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. और हर मॉर्निंग में हमें हमारा मेडिकल चेकअप रहता था, और हम हमारा दिन का शुरुआत हमारे जहाँ पैरों में छाले हो जाते थे वहाँ पर हम बैंडेजेस लगा के हमारा दिन की शुरुआत करने निकल जाते थे. ठीक है, क्लियर? आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच द रिवर. देर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैक टू द अदर. द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैक्स और पिटन्स ऑन बोथ साइड्स. आई वॉज फीलिंग नर्वस. आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ रोप केम आउट. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. 8 किलोमीटर के बाद एक ट्रैक के बाद हम कहाँ पहुँचे थे, हम एक नदी में पहुँचे थे जहाँ एक जाड़ी रस्सी, मोटी सी रस्सी लगाई हुई थी एक रिवर से दूसरे रिवर में. ओके, और जो रस्सी थी एकदम टाइट बांधी हुई थी किसमें, पैक्स और पिटन्स. पिटन्स मतलब क्या है बेटा, जो लोहे की कुछ टूल जो होती है जो रोप बांधी जाती है एक नदी से दूसरे नदी पे, हम इजीली हम रस्सी के ऊपर से जा सकते हैं. ओके, और वो इजीली वहाँ से निकल नहीं सकती हैं पत्थरों में जो माउंटेन्स में वो लगाई जाती है. आई वॉज फीलिंग नर्वस. और मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था कि मैं सोचने लग गई अगर वो कहीं रोप है नहीं, क्या रस्सी कहीं बाहर निकल गई तो. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर. और मैं ट्राई कर रही थी, एस्टिमेट कर रही थी कितनी और लंबी नदी होगी, कितनी नदी की कितनी लंबाई हो सकती है अभी और. ओके, आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग. Sling means type of hook. In it, he then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side.
No one was ready to step into the fast-flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one could see me. Just then, our instructor came near me with the sling and rope in his hands. I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fears. He called out loudly. 3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. हमारे इंस्ट्रक्टर जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे, उन्होंने अपना रोप टाई कर दिया था अपने वेस्ट में और एक हुक जो है वो लगा लिया था. ओके, हुक क्यों लगाते हैं? जब नदी में हम जाते हैं, नदी के उस पार जाने के लिए हम जब रस्सी में जाते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन के लिए, हम ना गिर ना जाए, इसलिए हमें एक स्लिंग लगाया जाता है पेट में और वो कनेक्ट हुआ होता है रोप में. तो ईजिली हम जब कुछ हमें डर लगता है तो हम वो स्लिंग के हेल्प से हम रहते हैं वो रस्सी में, हम गिर नहीं सकते हैं उसमें. ठीक है. He then put the sling on thick rope tied across the river. उन्होंने फिर वो thick rope के साथ बांध दिया और चलते हुए, icy water में चलते हुए वो दूसरे साइड पहुंचने आए. बट कोई भी रेडी नहीं था आगे जाने के लिए इतने फास्ट फ्लोइंग वाटर रिवर में. सब एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और मैं, संगीता मैडम जो थे वो लास्ट में खड़े थे, ये सोच के मेरी बारी नहीं आएगी बिकॉज कोई मुझे देख नहीं पाएगा. बट उनके डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने क्या किया, पहले ही उनके पास आ गए और रस्सी और स्लिंग लेके उनके पास ही आ गए. संगीता मैडम सोच में लग गई कि अब मेरे को कोई रास्ता नहीं है छुपने का, अब मेरे को ही आगे जाना पड़ेगा. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह एकदम से चिल्लाते हुए कहे कि अभी थ्री चीयर्स टू संगीता मैडम. ओके. जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर केम नियर विथ मी द स्लिंग एंड रोप इन हिज एंड आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप. आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज. मैं रेडी हो गई बट मुझे करेज नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की. सर आप मेरी फियर को समझ सकते हो, उन्होंने एकदम शाउट होके क्या कहा, चलो कम ऑन, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम. उन्होंने एकदम से उन्हें करेज दिया. और उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा है पानी में. आई फेल्ट एज इफ माई फीट वेर फ्रोजन. आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वेर चैटरिंग. आई कुड होल्ड ऑन द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड. एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वॉटर रीच्ड अप टू माई नेक. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कॉल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स. आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगा मेरे फीट, मेरे पैर जो है पानी में जम गए हैं और मैं एकदम से कांपने लगी और मेरे दांत जो है कपकपी से आवाज़ करने लगे और मैंने जल्दी से रस्सी को पकड़ लिया और यानी क्या मेरे फीट को आगे बढ़ा दी गई रिवर बेड के ओर. जैसे ही मैं आगे जा रही थी पानी उतना ही गहरा होता जा रहा था और धीरे धीरे मेरे गले के तक पानी पहुंचने आ रहा था. जैसे ही मैं बीच में पहुंची पानी के, मैं मेरा बैलेंस छोड़ने लग गई, मेरे को बैलेंस ही नहीं मिल रहा था और मैं स्लिप होने लगी. और मैं, मेरे को बहुत डर लग रहा था और मेरे को बहुत ठंड लग रही थी कि वो रोप मेरे हाथ से कहीं छूट ना जाए, दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स. और मेरे हाथ से वो रस्सी छूट गई और मैं शाउट करने लगी, कोई मुझे मदद करिए. नेक्स्ट, आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाई द रिवर बट नो. आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप ऑन द स्लिंग. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. आई कुड हियर द शाउट्स. आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप्स एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक. आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग चैलेंजिंग टास्क. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली.
I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैं इतनी श्योर थी मैं नदी में चली जाऊँगी, बट नहीं, मेरे को पता चला रस्सी बंधी हुई है स्लिंग के साथ और मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी, होल्ड करो रोप को, होल्ड करो रोप को, और मेरे को ऐसी आवाज़ सुनाई जा रही थी और मैंने कैसे भी करके मैनेज किया, पकड़ा रोप को और मैं आगे बढ़ती गई स्लोली, धीरे धीरे एक हिम्मत से मैं रिवर बैंक पहुंची और मेरे को एक स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस मिली जहां मैं पानी की ओर पहुंच गई फाइनली. हैप्पीनेस क्या होता है? जब हमारा चैलेंजिंग टास्क फिनिश हो जाता है तब हमें एक खुशी की महसूस होती है, और रिवर बैंक में खड़े होते हुए मेरे को ऐसी आवाज़, आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, बुला रही थी, चलो होल्ड द रोप टाइटली, जल्दी से रस्सी को अच्छे से टाइट पकड़ो. और मेरे को पता चल गया कॉन्फिडेंस ये होता है जो हमें कोई चीज़ों की चैलेंज होती है, जब हमें कोई करेज देता है, हिम्मत देती है, तो हम इजीली ये कॉन्फिडेंस हमारी बढ़ती है और हम फेस करने के लिए निकलते हैं. ठीक है, क्लियर? ओके.